यहाँ से भाग जाओ। कल्याणी अपने पुत्र को छोड़कर वह जाना नहीं चाहती है। कितना हूँ वो लोग समझाते हैं कि सुजान का घर जो है मुख्य रास्ते पर नहीं है, रास्ते से हटकर है, लेकिन अपने पुत्र के प्रति वह इतना समर्पित है कि हमारे पुत्र को कुछ हो जाएगा वह जाना नहीं चाहती। अंत में विवश होकर ग्रामीण के बार बार प्रेरित करने के बाद क्या होता है कि कल्याणी जो है अपने पुत्र को छोड़कर चली जाती है। तलघर में जाकर जो है वह छिप जाती है। तब तक तैमूर के सिपाही का प्रवेश होता है। तैमूर लंग जो है वह आ जाता है। तैमूर के सिपाही जो जफर है, अली बेग है और मुबारक है, ये सब क्या करते हैं कि उसके घर में घुस जाते हैं और घुसकर ये सोना चांदी इत्यादि जो है वह लूटने के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन उसके घर में कुछ है नहीं। एकाएक इनकी इन सिपाहियों की नज़र कोने में रखी हुई मिठाइयों पर पड़ती है। वे क्या करते हैं कि उन मिठाइयों को ले लेते हैं, खाते हैं और उन मिठाइयों को तितर बितर कर देते हैं। जब तितर बितर वे कर देते हैं तो तब तक क्या होता है कि तैमूर लंग जो है वह आ जाता है और तैमूर लंग आकर अपने सिपाहियों को डांटता है, उसे सजा देने के लिए कह देता है। सिपाही उनकी आज्ञा को मानते हैं, उससे माफ़ी लेते हैं और माफ़ी लेने के बाद तैमूर जो है वह उन्हें अमरकोट की यात्रा पर जो है वह भेज देता है। वे लोग चले जाते हैं। इधर तैमूर लंग जो है घर में, कल्याणी के घर में आकर इधर उधर देखता है। तब तक बलकरण जो है वह क्या करता है कि दूध लेकर जो है सुजान के यहाँ से आ जाता है। इस तरह से लंगड़ाते हुए क्रूर पराक्रमी तैमूर को देखकर वह बोल उठता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे घर में जो है वह क्यों आ गए। आने का क्या अभिप्राय है, किस लिए तुम जो है
वह मेरे घर में जो है वह आए हुए हो।